preview. नाम बोलिए साहब का। मेरा नाम मोहसिन शेख है जी। 21 जुलाई को बकरीद ईद है। पिछले साल बकरीद ईद के वक्त क्या हुआ था कि जितने भी किसान जो जोड़ धंधा बोल के शेड़ी पालन का व्यवसाय करते हैं, ये लोग दो दो तीन तीन सालों से इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं ताकि जब बकरीद की ईद आए तो इनके बकरियों को अच्छा भाव मिले और किसानों को कुछ मुनाफा हो। लेकिन पिछले साल क्या हुआ था कि महाराष्ट्र के अलावा बहुत सारे स्टेट में अपने बॉर्डर पर ट्रांसपोर्ट को सील कर दिया गया था, जिसकी वजह से बकरों को लेकर राज्य में आने वाले जो ट्रक्स है उनको रोका गया था। और जिस ट्रकों में डॉक्यूमेंटेड अंदाज ये कहता है कि 10 से 15 हज़ार बकरे मर गए थे, ये बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ था। और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि पिछले साल तो कोविड था, लोगों के पास कोई उपाय योजना नहीं थी, गवर्नमेंट के पास कुछ प्लान नहीं था और बहुत ज़्यादा पैमाने पे नुकसान किसानों को, व्यापारियों को और आम जनता को इसका सहन करना पड़ा। लेकिन इस साल अभी कोविड को हमारे पास आके लगभग 1.5 साल हो चुका है, सारे उपाय योजना करते हुए इस साल किसी भी स्टेट के बॉर्डर पर किसानों का या बकरी के व्यापारियों का ट्रक ना रोका जाए और उनको सारे कोविड के नियमों का पालन करते हुए अपना व्यापार करने की इजाज़त दी जाए, इसके लिए आज हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की ओर से, भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से सम्माननीय कलेक्टर साहब जो है उनको एक निवेदन दिया है। मैं इसी वीडियो के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिलीप वलसे पाटिल साहब से ये विनती करता हूँ कि आप कुछ ऐसे उपाय योजना करिए, आपके डिपार्टमेंट को ऐसे कुछ आदेश दीजिए कि कुछ ऐसा इन लोगों की पूरी कोविड की जाँच करके इन लोगों के पूरे उपाय योजनाओं के साथ महाराष्ट्र में सारे ट्रक्स आने दें और एक भी ट्रक या एक भी तरह का ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को तकलीफ ना हो। बहुत सारे किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पहले ही बारिश उसके बाद में फसल्स और बहुत सारे ऐसी समस्याओं से किसान जूझ रहा है, जोड़ धंधा बोल के शेड़ी पालन करते हैं, इसमें लोगों को राहत मिले इसलिए आज हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से सम्माननीय कलेक्टर साहब को निवेदन दिया है और हमें पूरी उम्मीद है कि गृहमंत्री इस पर जरूर एक्शन लेंगे। अलियार खान, भारत मुक्ति मोर्चा शहर कार्य अध्यक्ष औरंगाबाद। आज हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चे की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को एक निवेदन द्वारा सूचित किया है कि पिछले साल 2020 को जिस तरह बकरीद ईद के समय महाराष्ट्र के तमाम बॉर्डर पर गाड़ियां रोकी गई थी, बकरे व्यवसायी वालों की गाड़ियां रोकी गई थी, जिसमें ज़्यादातर माल जो है शेतकरियों को होता है, कोविड-19 के चलते हुए इस साल आने वाली 21 जुलाई को बकरीद ईद के समय हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस समय गाड़ियां बॉर्डर पे ना रोकी जाए और उन्हें अंदर आने दिया जाए, कोविड टेस्ट करने के नियम के अनुसार उन्हें बॉर्डर के अंदर आने दिया जाए, ये हमारी मांग है।